जन्मभूमि पर ठोका दावा, अब बद्री धाम पर भी मुसलमान बोलेंगे धावा। असल तो बात ये है कि बद्रीनाथ नहीं, वो बदरुद्दीन शाह हैं। देवभूमि पर देवबंद का जहरीला बयान, बद्री धाम पर जबरन कब्जा चाहते हैं मुसलमान। हमारा धार्मिक स्थल है, हम उस पर जाकर कब्जा कर लेंगे। बद्रीनाथ वर्सेस बदरुद्दीन शाह। तो देवबंद के मौलाना अब्दुल लतीफ ने हिंदुओं के चार धाम में से एक बद्रीनाथ को बदरुद्दीन शाह का मजार बताया है। इसके पीछे उन्होंने 1400 साल पुराने इतिहास का हवाला दिया है, लेकिन वो ये बताते समय भूल गए कि बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास उससे भी पुराना है। बहरहाल अब हिंदुओं ने मौलाना लतीफ का विरोध शुरू कर दिया है। इससे पहले हिंदू संगठनों ने वहां रह रहे मुसलमानों पर मांस बेचने का आरोप लगाया था और कहा था जो भी मुसलमान बद्रीधाम में रहना चाहता है उन्हें गौमूत्र और गंगा जल से आचमन करना होगा। हिंदू हिंदुत्व और हिंदुस्तान का पवित्र धाम बद्रीनाथ पर अब मुसलमानों की नजर पड़ गई है। देवबंद के मौलाना ने देवभूमि पर जहर उगला है, जहां सालों से विराजमान है भगवान बद्री, जिसके कण में आदिकाल से भगवान विष्णु बसते हैं। देवबंद के मौलाना लतीफ ने उस जगह को पवित्र बद्रीधाम नहीं बल्कि बद्रुद्दीन शाह का मजार माना है। इतिहास से नावाकिफ होने की वजह से ये सारी ये बकवास कर रहे हैं। असल तो बात यह है कि बद्रीनाथ नहीं, वो बदरुद्दीन शाह हैं। ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, ये मुसलमानों के इसको हवाले कर देना चाहिए इनको। वो बद्रीनाथ नहीं है, नाथ लगाया है इससे वो हिंदू हो गए क्या? वो बदरुद्दीन शाह हैं। तारीख उठाकर देखें, इतिहास का पहले मुताला करें ये तंजीम, उसके बाद में आगे बकवास। वो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों को चाहिए, मैं वहां के चीफ मिनिस्टर से मैं ये मांग करता हूं कि ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों के फौरन हवाले कर दिया जाए। मोदी जी हमारे इसमें आगे आए और हमारा उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर इन बकवासियों की बकवास को रोके, इनको लगाम दे, वरना मुसलमान मार्च करेंगे। हमारा धार्मिक स्थल है, हम उस पर जाकर कब्जा कर लेंगे। पता नहीं किस 1400 साल पुराने इतिहास का हवाला दे रहे हैं मौलाना लतीफ। उनके दावों में कूट कूट कर कट्टरता भरी है। कट्टरता इसलिए कि वो हिंदुओं की युगों पुरानी विरासत पर कब्जा करने की बात कह रहे हैं। मौलाना के इस बयान पर हिंदू बेहद गुस्से में और मौलाना लतीफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो कोनो बुराई नहीं कहता मुसलमान के, नहीं जिसको समूचा ईमान हो उसको मुसलमान कहते हैं, है कि नहीं? अगर उनका ईमान हो तो 3 साल तक जाकर बद्रीनाथ में गेट पर बैठे तो उसके बाद में आवे तो हम उनको विचार करते हैं, देते हैं। 3 साल तक वहां पर जाकर के गेट पर रहे, झाड़ू बहारू करे, सेवा के वस्तु है। समझता हूँ कि एक व्यक्ति का अपनी सोच हो सकती है, लेकिन ये सनातन सोच नहीं है। इसलिए उन चीजों पर ना जाकर जो सदियों से चले आ रही सोच है, उस सोच की ओर चले और उस सोच को आगे बढ़ाए। उन ऐसा लोग जो माहौल खराब करें, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ ताकि अल्लाह उनकी दुआ को भी सलामत रखे, उनकी सोच को सलामत रखे, ताकि वो लोग सही सोच को सोचे और आगे। नॉलेज होनी चाहिए कि इस्लाम का जन्म कहाँ हुआ है। इस तरीके से हिंदू मठ मंदिरों में और हमारी जो शास्त्रों में वर्णित जितने भी धर्म देव स्थान हैं उन पर टिप्पणी करने से पहले उनको इस भारत भूमि पर बड़ा सोच समझ के विचार करना चाहिए। इनके खिलाफ आंदोलन ही नहीं छेड़ेंगे, उनसे रूबरू होकर मुंह तोड़ जवाब देंगे कि भारत की अस्मिता को और इस तरीके से मिटाने का काम करेंगे तो वह अपने लिए भी देख लें कि उनको फिर अपना स्थान कहाँ देखना है। ऐसे लोगों की वजह से आपस में वैमनस्य पैदा होता है, केवल अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे लोग बयान देते हैं, तो उस पर लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मेरा ऐसा अनुरोध है। मुसलमानों पर पवित्र तीर्थस्थल पर चोरी छिपे मांस बेचने का आरोप कुछ ही दिन पहले लगा, जिसके बाद हाल ही में हिंदू संगठनों ने इन मुसलमानों को बद्रीधाम से बाहर करने की मांग की। तमाम उत्तराखंड की जनता से ये आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कम से कम उत्तराखंड के धार्मिक क्षेत्रों से
इन इस्लामिक लोगों को बाहर रखा जाए। इस्लाम के लोग पहले दो आएंगे, चार आएंगे, बहाने से आएंगे, कल के दिन यहाँ मस्जिद बनाएंगे, मकबरे बनाएंगे, गोहत्या करेंगे। इसलिए हमने अगली बार से मांग करेंगे, अपनी व्यवस्थाएं करेंगे कि जो भी यहाँ पे मंदिर में प्रवेश करेगा, जोशीमठ में प्रवेश करने से पहले गोमूत्र और गंगा जल का आचमन उसको करना पड़ेगा, वही यहाँ धाम आएगा। यहाँ नास्तिक लोगों के लिए, अधर्मी लोगों के लिए और खासकर इस्लामिक लोगों के लिए कोई मतलब प्रवेश नहीं है। कब्जा करो और अपना बनाओ, क्या देवबंद इसी नीति को अपनाना चाहता है? पहले अयोध्या और अब बद्रीनाथ इसके सबसे बड़े उदाहरण है। चार धामों में से एक पवित्र बद्रीनाथ धाम पर मुसलमानों का दावा, क्या अयोध्या की प्रतिक्रिया है? समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो पहले हिंदुओं ने विरोध किया था इस बात पर कि चोरी छिपे मुसलमान वहां मांस बेच रहे हैं, उन्हें वहां से हटना चाहिए, यह कहा गया था हिंदुओं की ओर से, या फिर जो रहना चाहते हैं उन्हें गौमूत्र और गंगा जल से आचमन करना होगा। यह विरोध हुआ था मुसलमानों का, जिसके बाद आज देवबंद की ओर से एक बार फिर प्रतिक्रिया आई है। दो दिन पहले भी यह प्रतिक्रिया आई थी और अब फिर एक जहरीली प्रतिक्रिया आई है, जिसमें यह साफ साफ कहा गया है कि वो पहले बद्रुद्दीन शाह का मजार था और इसलिए वहां हिंदुओं का कोई हक नहीं बनता। सीधे सीधे हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल पर, जहां युगों युगों से लोगों की मान्यता है, जहां कण कण में भगवान विष्णु विराजते हैं, वहां पर अचानक प्रकट होकर यह दावा कर देना, आपको लगता नहीं किसी ना किसी तरह से लोगों को बांटने की कोशिश है, साजिश है? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हुए हैं। बेहद खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट साहब जुड़ेंगे, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी मथुरा दत्त जोशी साहब जुड़ेंगे, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस देहरादून स्टूडियो से, और हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ेंगे डॉक्टर एच एस रावत साहब, और हमारे साथ मौलाना अब्दुल लतीफ कासमी मदरसा दारुल उलूम निशवा, जिन्होंने आज ये बयान दिया है, वो भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना अब्दुल लतीफ कासमी साहब, कल को अगर आप केदारनाथ को कय्यूमुद्दीन शाह का मजार बता दे, रामेश्वरम को रियाजुद्दीन का मजार बता दे, ये किस इतिहास की बात कर रहे हैं और अचानक से कहां प्रकट हो गया ये इतिहास? नहीं, अचानक नहीं प्रकट हो गया है। लखीमपुर खीरी में एक बहुत बड़े विद्वान घाग महाराज कवि गुजरे हैं, उन्होंने बाजाब्ता कविता में कहा है, बासी हैं हम उस धरती के जहां विराजमान बद्रू शाह व बद्रनाथ साथ साथ। 500 साल पुराना ये इतिहास उन्होंने, बहुत बड़े वो विद्वान थे। घाग का नाम आप सुनते हैं लतीफ साहब, बहुत माहिर समझा जाता है, तो कहा जाता है सर कि वो बहुत बड़ा घाग है। ये इतनी हल्की बात मत करिए सर। नवीं शताब्दी में, आठवीं शताब्दी के आखिर में बद्री धाम बनकर तैयार हो गया था, और आज से 500 साल पहले जो व्यक्ति आया, आप उसकी बात पर जा रहे हैं सर? वो आदमी क्या इतिहास बता सकता है? मैं ये कब मना कर रहा हूं कि वहां हमारे बद्री धाम को, मैं ये कब कह रहा हूं कि बद्रीनाथ नहीं है, बद्रीनाथ के साथ हमारे बाद में सही मजार है बद्रुद्दीन शाह का, जब दोनों हैं, इसलिए ना हम ये कह सकते हैं और ना कोई हिंदू भाई कह सकता है। कल आप ये कहेंगे कि अजमेर में जहां पुष्कर नाथ हैं वहां ख्वाजा अजमेरी भी हैं, तो क्या ख्वाजा अजमेरी की वजह से हिंदू भाई वहां से चले जाएंगे, या पुष्कर नाथ की वजह से वहां से मुसलमान चले जाएंगे? यार ये हमारा क्या नहीं रहा है सर जी, ये हिंदुओं का नहीं रहा है, नहीं उत्तरा पहले अयोध्या और अब बद्रीनाथ निकालना चाहते हैं सर। सातवीं शताब्दी में, आप ये बताइए, सातवीं शताब्दी में जो मुसलमान आए, सातवीं शताब्दी में आए, लेकिन उससे पहले बद्रीनाथ में पूजा हो रही है, आपको बताया है, द्वापर युग से, उससे भी पहले त्रेता युग से पूजा हो रही है, ठीक है? बिल्कुल। तो सर आप अपने इस इतिहास को रोक करें। डॉक्टर बद्रीनाथ बहुत पहले से लतीफ साहब, लेकिन वहां बद्रू, अरे लतीफ साहब मेरी बात सुनिए, शाह का मजार भी तो है लतीफ साहब, तो क्या लतीफ साहब मजार उखाड़ लेंगे? लतीफ साहब आपने किताब उठा करके उसमें एक पढ़ दी, एक कविता की दो लाइन पढ़ दी
और आपने बोल दिया कि वहां बदरुद्दीन शाह की मजार है। मैं आपसे, आप इतिहासकार बन रहे हैं, आपको अपनी नौवीं पीढ़ी के दादा दादी का पता है कौन थे? लतीफ साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, नौवीं पीढ़ी में आपको अपने दादा दादी का नाम पता है? आप बतलाएं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इतने बड़े हमारे मंदिर के ऊपर हमला बोल रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि माफ करेंगे। आपने क्या औरंगजेब का जमाना समझ रखा है? नहीं। क्या हिंदू ने अब चूड़ियां पहन रखी हैं या जनेऊ उठा के रख देंगे? तो आपको छिपने की जगह नहीं मिलेगी। इस तरह के बेहूदे बयान मत दीजिए आप लोग। आग मत लगाइए हिंदू मुसलमानों के बीच में। आप किस तरह की बातें करते हैं? आपको शर्मानी चाहिए? एक आप दारुल उलूम में इस तरह की जिम्मेवारी पोस्ट पर बैठ करके आप बातें करते हैं? क्या आपने हिंदुओं को यह समझ रखा है कि औरंगजेब के जमाने के या खिलजी के जमाने के या बाबर के जमाने के हिंदू रह गए इस टाइम पर? आप जहरीले बयान देना बंद करिए, नहीं तो खामा खा के ये और उपद्रव खड़े हो जाएंगे। ठीक है लतीफ साहब, और अपने बयान के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है लतीफ साहब, आप माफी मांगे, आपने गलत बयान दिया है, इससे वहां का वातावरण खराब होगा जी, और वहां की जनता भड़क गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी वहां पर, और इसके लिए आप जिम्मेवार होंगे और आपका दारुल उलूम इस बात के लिए जिम्मेवार होगा। अच्छा सर, आप आप इतिहास की बात कर रहे हैं, आपको अपने दादा दादी का नौवीं पीढ़ी का पता नहीं है? आप 800 दिया है, क्या बेतुकी बातें करते हैं? नहीं, लतीफ साहब को जवाब देने दीजिए सर प्लीज। अच्छा ये बताएं कि मैंने पहले कहा है या उत्तराखंड रक्षा दल ने बात पहले कही है? शुरुआत जब उन्होंने कही कि है तो हमने सिर्फ जवाब दिया है। अच्छा जवाब आप ऐसा जहरीला देंगे जिससे आग लग जाए? आप ऐसा जहरीला जवाब देंगे जिससे हिंदू मुसलमानों में तनाव हो जाए? आप ऐसा जहरीला जवाब देंगे कि जो दोनों लोगों के आपस में युद्ध हो जाए और वो मरना शुरू हो जाए? है आपकी ये दारुल उलूम इसी प्रकार का काम करती है क्या? आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अपने आप को इतिहासकार बोल रहे हैं, ये रोजाना बयान देते हैं। हमने तो क्या इस तरह के जहरीले बयान दोगे आप? आप रोजाना बयान दे रहे हैं। हम कोई इस तरह का बयान नहीं दे रहे कि जिसकी वजह से कहीं देश में कोई प्रॉब्लम आए। अगर गौमूत्र नहीं पिएंगे तो मुसलमान वहां से निकल जाएंगे, ये कोई बात नहीं हुई। आप उन्होंने ये कहा है कि अगर यहाँ पर सारे मुसलमान अगर यहाँ पर इस तरीके से घुसेंगे, इस तरीके से वहाँ पर मांस बेचा जाएगा और वो पवित्र स्थल के ऊपर अगर साहू वहाँ पर बेची जाएगी तो वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। आपके मक्का मदीना पे क्या होता है अब्दुल लतीफ साहब? आपके मक्का मदीना पे कोई अगर जाता है तो वहाँ क्या कराते हैं आप लोग? आप ये गलत कलमा भरवाते हैं पहले वहाँ पर, तो हम वहाँ पर कैसे घुसने देंगे आप लोगों को? इस तरीके के नहीं, इसका भी समर्थन नहीं करते। बद्रीनाथ के पवित्रता को कब हमने रोका? लतीफ साहब हमने इसका भी विरोध किया, हमने इसका भी विरोध किया जिस तरह से मुसलमान। लेकिन आज आपने जो बयान दिया सर, आपके बयान में देखिए आपने सीधा कहा है कि या तो सरकार वहां पर हमें अधिकार दिलवाए या फिर हम जाकर कब्जा कर लेंगे। दोनों में सर दो आज जो अभी जो कह रहे हैं बात, दोनों में फर्क है। हमारे साथ देहरादून स्टूडियो से भी मेहमान जुड़े हुए, आता हूं सर आपके पास, आता हूं आपके पास। कोई फर्क नहीं है। नहीं बहुत फर्क है सर, कह रहा हूं। अरे आपके बयान से वहाँ गरीब मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा, आप तो कहीं ना कहीं किसी कमरे में जाके छिप जाओगे ये बयान देने के बाद। और ऐसे हाथों में मारे वो लोग जाते हैं जो गरीब होते हैं, वहां पर मजदूरी कर रहे होते हैं और आप बैठ करके कमरे में टीवी के ऊपर भाषणबाजी झाड़ रहे हैं। आपको ये नहीं पता इतिहास होता क्या है? अपने नौवीं पीढ़ी के माँ बाप का आपको पता वीरेंद्र नहीं है? और बोल रहे वीरेंद्र मिश्र साहब सरकार क्या करने जा रही है अब? आज देखिए बद्री धाम को लेकर सर जिस तरह के बयान आ रहे हैं, हालात ठीक नहीं है। उत्तराखंड सरकार जो बयान पहले शिक्षा समिति ने दिए हैं उस बयान की हम मुखालत करते हैं। ऐसे बयानों के लिए उत्तराखंड राज्य में कोई जगह नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है। ठीक। जहां तक हमारे जो उलेमाओं का प्रश्न है, जो विभिन्न धर्मों के धर्म गुरु हैं, कम से कम उत्तराखंड राज्य की जनता और भारत की जनता ऐसे बयानों की उम्मीद नहीं करती है। हम इनके बयान की भी उतनी ही खिलाफत करते हैं जितनी हमने रक्षा समिति के लोगों ने बयान दिया था मुसलमानों के खिलाफ। धर्म गुरुओं का क्या है? धर्म गुरुओं
को तो जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी लोग अगर धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको समझाने का काम है, उनको लड़ाने का काम नहीं है, उनको दिशा देने का काम है। आठवीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ बद्रीनाथ धाम, नौवीं शताब्दी में वो अपने अस्तित्व में आया, 2000 वर्ष पुराना है। और उत्तराखंड राज्य जब भी इस देश का भूभाग्य था, कभी भी मुस्लिम जो राजा था या मुस्लिम कोई सुल्तान था, वो श्रीनगर से आगे और टिहरी से आगे नहीं जा पाया। कहीं भी इतिहास में इसका वर्णन नहीं है कि कोई भी किसी तरीके का धर्म गुरु या कोई सुल्तान या कोई राजा श्रीनगर गढ़वाल से आगे टिहरी से आगे कभी गया। लतीफ साहब गौर कीजिएगा, और लतीफ साहब मैं इस बात को कहता हूं, उत्तराखंड राज्य ऐसी देवभूमि है जी सर, कि जहां प्रियान कलेर से लेकर, जहां हेमकुंड साहिब से लेकर, जहां बद्रीनाथ केदारनाथ से लेकर, और कृष्णों का मसूरी में बहुत बड़ा स्थान है। हम बचपन से ही, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो रहनुमा रहे हैं, हमने शांति का संदेश दिया है, और देश की सेना में देश के लिए मरे और खपे हैं। हम कभी भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं अगर वो देश के खिलाफ बोलता है, आवाम के खिलाफ बोलता है। अगर किसी उत्तराखंड के भाई ने मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, तो हम उनके लिए जो सजा मुरक्कर है अपने संविधान में, वो सजा उनकी मिलेगी। ऐसे लोगों को उत्तराखंड राज्य का, तकरीबन ऐसे लोगों को उत्तराखंड राज्य का माहौल खराब नहीं करने देंगे। लोग ये भी तो पूछेंगे ना आपसे कि उत्तराखंड रक्षा क्रांति दल के खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया। मैं आता हूँ इसी पर, आता हूँ मथुरा दत्त जोशी साहब, सरकार करेगी मथुरा दत्त जोशी साहब, मौलाना साहब के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मौलाना साहब ने जो बयान दिया है, अगर दारुल उलूम से अगर ताल्लुक रखते हैं, तो इस तरीके का बयान इनको नहीं देना चाहिए था। और इस बयान से निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता आहत हुई है, और ऐसे बयानात का मैं समझता हूं कि देवभूमि में कोई स्थान नहीं है। वैसे तो हिंदुस्तान की संविधान में कोई स्थान नहीं है, विशेषकर देवभूमि में, जिसने हर हमेशा राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया है, भाईचारे का संदेश दिया, यहाँ सारे लोग रहे हैं। जैसे अभी बीरेन बीजी ने कहा कि यहाँ तो प्राण कलियर भी है, और आपका हेमकुंड साहिब भी है, नानक मत्ता भी है, नानक सागर भी है, और मीठा रीठा साहिब भी है, कैलाश मानसरोवर भी है, और चार धाम भी यहाँ पर है। अगर इस तरीके की बात दारुल उलूम के लोग करेंगे, तो निश्चित रूप से बात निंदनीय है, और सोचना पड़ेगा कि दारुल उलूम का तो अपना एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, और राष्ट्रीय एकता में भी इतिहास रहा है। इन्होंने कभी इस तरीके की बात हमने तो दारुल उलूम से नहीं सुनी है वहां पर सर, और अगर ये बात हुई है तो सरकार को निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। आप दारुल उलूम के इतिहास को सर गंदा कर रहे हैं, आप उसको कलंकित कर रहे हैं ऐसे बयान देकर। अच्छा सर, मैं अर्ज करूं? हाँ बिल्कुल। पहले तो आप दारुल उलूम को मुझसे न जोड़ें, ये है दारुल उलूम निसवां, मेरा अलग मदरसा है, दारुल उलूम देवबंद अलग है। सबसे पहले ये आप समझ लें, मैं दारुल उलूम निसवां का मोहतमिम हूँ, दारुल उलूम देवबंद अलग है। मैं अर्ज ये करता हूँ, आप गौर से सुन लीजिए, मैं चाहता हूं कि हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम जिस तरह हमेशा एक साथ मिलकर रहे हैं, वैसे ही रहें। नहीं, आप नहीं जाते सर, आज का आपका ये बयान, आज का आपका ये बयान के ऊपर इशारा नहीं करता। मैंने ये बात कही है, अगर आप अगर तकलीफ पहुंची है हमारे भारतीय भाइयों को, तो मैं उस पर माफी चाहता हूँ। लतीफ साहब, लेकिन आपके बयान को समर्थन दी जाए, आपका वो बयान बता दे बात का समर्थन नहीं करता है। जो आदमी सीधा सीधा ये कहे कि वो हमारी जगह है, हम जाकर कब्जा कर लेंगे, वो क्या हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है सर? ये आप भी जानते हैं कि बद्रीधाम हिंदुओं के लिए कितना पवित्र स्थल है, कितना बड़ा स्थल है हिंदुओं का। बिल्कुल है,
नहीं, हिंदू भाइयों के ही लिए नहीं, हमारे लिए वो बहुत पवित्र स्थल है, बहुत पुराना, 2000 साल से भी जायद पुराना है, हिंदू भाइयों का धार्मिक स्थल है, वहां पर बदरुद्दीन शाह का मजार भी है। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि मैं मार्च करके जाऊं और जाकर बद्री धाम पर कब्जा कर लूं, ये कैसा लगेगा आपको? ये कहा है मैंने, देखो अगर आपको तकलीफ पहुंची है, मैं पूरे अपने हमारे पूरा भारत, हमारा परिवार, हमारा खानदान, हमारा कुटुंब है, अगर किसी को तकलीफ पहुंची है मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इनको जो है रक्षा दल वालों को फौरन इनको लगाम देनी चाहिए। हुकूमत इस तरह से कभी जो है ताजमहल को कह देते हैं वो शिव मंदिर है, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, इससे बाज आए वहाँ पे नया सगुफा छोड़ दोगे क्या? हिंदू मुस्लिम सर आप भी कुछ ही कह देंगे, आप जो है कोई पूरे देश का माहौल क्यों खराब करना चाहते हैं? आपको किसने अधिकार दिया है देश का माहौल को खराब करने के लिए? इन्होंने पहले कहा है नहीं, लतीफ साहब आप एक्सपोज हो रहे हैं, मौलवी साहब अपनी दाढ़ी और टोपी का ख्याल रखिए, इस तरह से देंगे बकवास, अपनी दाढ़ी और टोपी का ख्याल रखिए, आप मसला को हल करने वाले लोग हैं, लतीफ साहब इस तरीके के माहौल को पैदा नहीं कर सकते हैं। और उत्तराखंड के लोग बहुत जज्बाती हैं, सेना में लोगों ने अपने परिवार खपा दिए हैं देश के लिए, और ऐसे जेहादियों से निपटना भी उत्तराखंड के लोगों को आता है। जिस दिन हमारे आन बान पर अगर कोई नहीं उठाएगा तो हम ऐसे जेहादियों से लड़ना भी हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है। देखो सर, हमसे हमें छेड़ा गया है इस तरह से कि यहाँ से पूरे राज्य से मुसलमान निकल जाएं, ये कितना खतरनाक बयान उनका है। किसी ने नहीं बोला हमारे यहाँ तो मुसलमान जो है पहाड़ी मुसलमान है, कि इनको भी रोको। क्या हमारे यहाँ पहाड़ी मुसलमान है, बहुत सालों से रहते हैं, अभी भी पहाड़ी मुसलमान गांव में वो हमारे रीति रिवाजों के अनुसार अपने जो है पूजा करते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं, आप पता नहीं लगा सकते ये गढ़वाली या कुमाऊनी मुसलमान है, लेकिन आप जैसे लोगों ने जबरदस्ती लोगों को जो है जेहाद में आप जो है नहीं नहीं लतीफ साहब कभी आप बद्री धाम गए? लतीफ साहब कभी आप बद्री धाम गए? वहाँ के कितने मुसलमान परिवारों से आपने मुलाकात की? मेरा जाना नहीं, नहीं नहीं भाई, मेरा जाना भी नहीं हुआ है। तब सर आप कैसे आप कभी जाइए उत्तराखंड और देखिए वहाँ कितने मुसलमान परिवार रहते हैं सर, और शांति के साथ, खुशहाली के साथ रहते हैं, आपको ये देखना चाहिए। मैं बिल्कुल पूरे अमन से, लेकिन ये जो हाँ सर, ये जो रक्षा दल है आपका, मैं इसको हमने कहा है, हमने ये भी तो कहा है, ये बयान नहीं सुना कि हम जिस तरह से हिंदू मुस्लिम भाई भाई हमेशा रहे आप हैं। एक बार अपने बयान को सुनिए, आप एक बार अपने बयान को सुनिए सर, हम सुनवाते हैं, आप सुनिए। हम भी ये कहने लगे वो इतिहास से नावाकिफ होने की वजह से ये सारी ये बकवास कर रहे हैं। असल तो बात यह है कि बद्रीनाथ नहीं, वो बदरुद्दीन शाह हैं। ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, ये मुसलमानों के इसको हवाले कर देना चाहिए इनको, वो बद्रीनाथ नहीं है। नाथ लगाया है इससे वो हिंदू हो गए क्या? वो बदरुद्दीन शाह हैं। तारीख उठाकर देखें, इतिहास का पहले मुताला करें ये तंजीम, उसके बाद में आगे बकवास। वो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों को चाहिए, मैं वहां के चीफ मिनिस्टर से मैं ये मांग करता हूं कि ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों के फौरन हवाले कर दिया जाए। मोदी जी हमारे इसमें आगे आए और हमारा उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर इन बकवासियों की बकवास को रोके, इनको लगाम दे, वरना मुसलमान मार्च करेंगे, हमारा धार्मिक स्थल है, हम उस पर जाकर कब्जा कर लेंगे। ये कब्जा करने की बात कह रहे हैं लतीफ साहब आप? इतिहास से नावाकिफ हैं लोग, ये किस इतिहास की बात कर रहे हैं जो आपने लिख दिया? जी पहले आपका काम क्या हो गया? आपका काम क्या रह गया? पहले बयान दो फिर माफी मांगो, पहले आग लगाओ फिर बुझाने का काम करो। बद्रीनाथ विराजमान है, वहाँ पर बदरुद्दीन शाह का मजार, आपका काम क्या रह गया? अब अगर पहले आग लगाओ फिर माफी मांगो, दीन शाह का मजार है नहीं। अब हम क्या, आप जैसे लोग लोगों को लड़ा रहे हैं, कौमों को लड़ा रहे हैं। हमारे भारत के भाइयों को तकलीफ पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूँ।
सर आपने कह दिया नहीं, अगर लेकिन मेरे बयान लेकिन से कितना हमारे कितना बड़ा बयान दिया भाई सर, आपको तकलीफ पहुंची है, मैं माफ आपके इस बयान से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है कि आपको इसका अंदाजा भी है? जो आदमी खुद इतिहास नहीं जानता, जो आदमी खुद इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास से दूसरों को नवाज रहा है। लतीफ साहब तो सिर्फ रे मुसलमान वाले, अगर ये कहा जो है कहा जाने वाले हैं, इनको तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिल सकता। लतीफ साहब ऐसे ऐसे मैंने फिर से मैं फिर से यही कहूंगा, उत्तराखंड जाइए, बद्रीधाम जाइए, उसके बाद बात करिए सर। और आपने रक्षा दल की बात करी, रक्षा दल वालों की बात की, वीरेंद्र मिश्र यहीं पर बैठे हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, उस पार्टी के नुमाइंदे हैं जो सरकार में है, और इन्होंने यहाँ पर कहा था, इनके प्रवक्ता ने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, सरकार ने कहा था, निंदा की थी सरकार ने। सर आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब ऐसे बयान देना चाहिए। आप जैसे मौलानाओं की वजह से लोग लड़ रहे हैं और शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए आपको। सर यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये है सर कि क्या आप सस्ती लोकप्रियता के लिए, समाज में वैमनस्य पैदा करने के लिए ये बयान दे रहे थे जो अभी माफी मांगनी पड़ रही है आपको? नहीं नहीं नहीं, देखिए शुरुआत जब उन्होंने की इतना सख्त बयान, और आए दिन कुछ से कुछ जरूर बयान देते हैं, कभी इस मस्जिद पर, अगर वो गलत बयान देते हैं तो आप दावा करते हैं कि ये शिव मंदिर है और बड़ा मंदिर है। लतीफ साहब अगर अगर वो कोई जहरीला बयान देते हैं तो आप भी वही काम करोगे भाई? सरकार किस लिए फिर आप क्या इस तरह की बातें करोगे जिससे दोनों के अंदर आग लग जाए, देश में आग लग जाए? आप चाहते हैं हिंदू मुसलमान में आग लग जाए? उन्होंने इस तरह का बयान तो नहीं दिया कि आप मार्च करेंगे जाकर के वहां पर, आप कब्जा कर लेंगे जाकर के? आप किस तरह के बयान दे रहे हैं? आज कब्जा करना आसान है क्या किसी चीज पर? ये कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा है क्या? निकाल रहे हैं वो जो कहते हैं कि गौ लतीफ साहब मुसलमान, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं सर, बहुत पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं। या अगर नहीं सर, कोई अगर कुएं में कूद जाएगा तो क्या आप भी कूद जाएंगे? आप बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं सर मुझे। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं आप लेकिन लेकिन तो वही रहे सर। आपको हमें कुछ जवाब तो देना था ना, ये क्या बात है? ऐसा देना था, इतनी बड़ी आप इतिहासकार हैं, रियासत है, आपके पीछे किताबें लगी हुई हैं, आप इस तरह का जवाब देंगे? आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं निकल जाए, यानी आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं, आप इस तरह के जहरीले बयान देंगे? आप देश में आग लगाना चाहते हैं, प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं आप? नहीं मुसलमान, आपने कहा कि ऐसा बयान तो मुझे देना ही क्या? वो पूरे हिंदू भाइयों के आप बयान देने के ठेकेदार हैं कि आप हिंदुओं के खिलाफ इस तरह के बयान दीजिए? रक्षा दल वाले पूरे हिंदू भाइयों के क्या वो धर्म? आप बद्रीनाथ कब्जा करोगे? आप बद्रीनाथ कब्जा करोगे? पहले आप उनसे पूछिए। ठीक है, पूछता हूँ, पूछता हूँ, ठीक है। वीरेंद्र मिश्र साहब, हम कब्जा नहीं करेंगे। मेरे सुनिए सर, सरकार के नुमाइंदे के तौर पर आए लतीफ साहब, उत्तराखंड सरकार के नुमाइंदे के तौर पर आए हैं वीरेंद्र बिष्ट साहब हमारे बीच, सुनिएगा सरकार क्या कर रही है, सुनिएगा वीरेंद्र बिष्ट साहब जी। देखिए लतीफ साहब, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आपने उत्तराखंड राज्य की जो संस्कृति है, जो यहाँ की भाषा है, और आप सहारनपुर में है, ज्यादा दूर भी नहीं है, आप जानते होंगे कि देश में कितने बड़े बदलाव आए, नहीं दादा, कितने बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लोगों ने जो सौहार्द का वातावरण बना के रखा, क्योंकि यहाँ के लोग सेना में हैं, देश के लिए कुर्बान होने वाले लोग हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई इतना कड़वा और गंदा बयान दिया जिसकी हमने भर्त्सना करी, जिसकी हमने निंदा करी, तो आपने तो सीधा सीधा कह दिया वो बद्रीनाथ नहीं है, वो बद्री शाह का मंदिर है। कितनी बड़ी आपने गुस्ताखी की है, और आपकी गुस्ताखी के लिए भी वही सजा है जो उस रक्षा दल के व्यक्ति के लिए है। दोनों की एक ही जगह है जेल, उससे ज्यादा आपने तो पूरा इतिहास और भुगाली चेंज कर दिया लतीफ साहब। नहीं नहीं, सजा कितना दुर्भाग्य है, बिल्कुल सर। तो अगर आप ये कहते वहां किसी की मजार है लतीफ साहब, क्या अगर आप कहते लतीफ साहब कि आपके किसी पीर की वहां मजार है, कि क्या कोई हमको मजार में जाने के लिए रोक सकता है? ये बात आपकी दीगर थी, लेकिन आपने तो कह दिया कि वो मंदिर जो है मंदिर नहीं है। कितनी बड़ी आपने गुस्ताखी की है, ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए। आप भी आपकी भी उतनी बड़ी गुस्ताखी है, और रक्षा दल के लोगों की भी उतनी बड़ी गुस्ताखी है। जहां तक सरकार का प्रश्न है, और सरकार किसी भी कीमत पर अपने उत्तराखंड राज्य का किसी भी तरीके जो सौहार्दपूर्ण वर्षों से है, लतीफ साहब आप जानते हैं यहां पीढ़ियों से मुसलमान रहते हैं,
पहाड़ की वेश और भूषा, पहाड़ की बोली आप उनके दाढ़ी से अंदाज लगा सकते हैं कि मुसलमान है, उनकी टोपी से आप अंदाज लगा सकते हैं मुसलमान है, लेकिन उनकी भाषा से आप अंदाज नहीं लगा सकते मुसलमान है। और पीढ़ियों दर पीढ़ियों यहां लोग रह रहे हैं और आपने ऐसा बयान दे दिया, कितनी बड़ी गुस्ताखी करी है आपने। देखो हम सरकार दोनों बयानों को गंभीरता से लेगी और दोनों बयानों पर जो सजा मुकर्रर होगी वो सजा सरकार देगी। देखिए बिष्ट साहब आपको भी समझना होगा एक हफ्ते बाद क्या कार्रवाई। बिल्कुल सर, मैं इसके लिए तैयार हूँ। आप गौर सरकारी नुमाइंदे हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह आइंदा के लिए बातें रुकनी चाहिए, ये बढ़नी नहीं चाहिए। वो भरोसा दे रहे हैं, ये आए दिन भरोसा रखिए, यकीन आते रहते हैं। लतीफ साहब आप जैसे लोग मुल्क के हालात को बिगाड़ रहे हैं, एक बात आप जैसे लोग फिक्रा फैसती फैला रहे हैं, आप जैसे लोगों के बयानों से जेहाद फैल रहा है। कम से कम धर्म के नाम पर तो ऐसे बयान मत दो। अगर आप मौलवी है, अगर आप किसी मदरसे के जो है मास्टर हैं, वहां के आप चलाने वाले सर, उसके प्रबंधक है, ऐसी फौज खड़ी करेंगे तो, सर कम से कम ऐसी फौज तो खड़ी मत करो। देश की हालत मथुरादेव जोशी जी, मेरी तो आपसे दरख्वास्त है, खुदा के ऊपर रहम करो। खुदा ने अगर आपको भेजा है तो आवाम को जोड़ने के लिए भेजा है। नहीं नहीं के धर्म मैं ये बार बार सर बार बार ये पूछ रहा हूँ, इतिहास को हफ्ते भर हो गए। नहीं नहीं बिष्ट साहब ठीक है, आप सवाल सुन लीजिए सर। हफ्ते भर हो गए, पांच दिन पुराना मामला है, आपने उत्तराखंड रक्षा क्रांति दल के खिलाफ क्या कार्रवाई की है आप भी जरा बताइए, लोग सुनना चाहते हैं। समाचार प्लस ने भी जब ये खबर दिखाई तब जाकर आपकी आंख खुली है। अनुपम जी, अगर सुदूर क्षेत्र में जाकर किसी ने कोई बयान दिया है तो उस बयान का संज्ञान वहां के जो पुलिस प्रशासन है, वहां का जो हमारा सीआईडी है, एलआईयू है, वो संज्ञान लेता है। फिर मीडिया ने जिस तरीके से बयान दिखाया तो तुरंत हमारे नेताओं ने, हमारे जो मंत्रियों ने, जिनके पास भी ये संज्ञान आया, ठीक है इसकी साहब हम हर बात मानते हैं। सरकार का बताइए ना, पांच दिन लग जाते हैं क्या इसमें? सरकार का जो गृह मंत्रालय जोशी जी, नहीं अनुपम जी, सरकार का जो गृह मंत्रालय है वो काम कर रहा है, ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। अगर प्रसून जी सरकार ने उसी दिन अगर कार्रवाई कर ली होती तो आज मौलाना हिमाकत नहीं करते बयान देने का, ठीक, क्योंकि सरकार ने ढिलाई हर बात में बरती है। और आज भी अगर मौलाना की जो रिकॉर्ड आपका आपने बयान दिखाया है, मौलाना ने वास्तव में अगर ये बयान दिया है तो निश्चित रूप से मौलाना के अभी भी शक है सर। क्या आपको मथुरादेव जोशी जी अभी भी शक है क्या? मौलाना सामने बैठे हैं, बयान हमने सामने दिखा दिया, आपने सुना नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार ने कार्रवाई कर दी होती तो आज मौलाना इतनी बड़ी हिमाकत न करते उत्तराखंड के बारे में बयान देने का। ये देवभूमि है, यहाँ देवता निवास करते हैं, यहाँ हर वर्ग का व्यक्ति निवास करता है और हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर पूजा अर्चना करता है। सारे देश के हर प्रांत के लोग यहाँ पर आते हैं। अगर उत्तराखंड के बारे में इस तरह की बात की जाएगी तो निश्चित रूप से दुर्भाग्य होगा और सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। पहले दिन ही अगर सरकार ने कार्रवाई कर ली होती तो आज ये सब चीजें ठीक है। तो बिष्ट साहब बताइए, मामला कब दर्ज हो रहा है? बिष्ट साहब बताइए मामला कब दर्ज करें उत्तराखंड रक्षा क्रांति दल वालों के खिलाफ? मामला गृह मंत्रालय इस मामले को देख रहा है, हमारी भी अधिकारियों से बात की है। बीत गए सर, पांच दिन नहीं लगते। निश्चित रूप से सरकार उस बयान का संज्ञान लेकर ऐसे लोगों को अपने राज्य का माहौल खराब नहीं करने देगी। किसी को भी, किसी भी पार्टी को भी, कोई भी नेता हो, किसी को भी ऐसे साहब, क्या आप चाहते हैं कि और भी मौलाना अब्दुल लतीफ इस मामले में खड़े हो जाएं? आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या देखना चाहते हैं कि आप और भी कोई मौलाना मौलाना अब्दुल लतीफ की जगह भी वही है और उत्तराखंड क्रांति मोर्चा ने जो बयान दिया है उनकी जगह भी वही है। करिएगा इंतजार नहीं, अब जल्दी आप सब्र कीजिए, जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। शायद अगर आपने कार्रवाई कर दी होती तो स्थिति नहीं है। डॉक्टर रावत जी, शायद अगर सरकार ने उसी दिन ये कार्रवाई कर दी गई होती सरकार की ओर से तो शायद ये स्थिति ना आती। नहीं, ये सच है अनुपम जी कि देखो कहीं ना कहीं एक हाथ से ताली नहीं बजती है। उन्होंने जो बयान दिया मैं उसकी भर्त्सना करता हूं कि ऐसे हिंदू लोग तो हमारे बड़े सौम्य होते हैं और इस तरह की बात भाषा नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे की गहराई में जाना पड़ेगा। सर, आप भी अंदर दिखा रहे हैं, क्यों देना पड़ा ये बयान?
देखिए अनुपम जी, बयान क्यों देना पड़ा, उनकी स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा भाई आपने गौमूत्र की बात क्यों कही या गंगाजल पिलाने की बात क्यों कही, वो कहां आहत थे, उनकी भावना कहां आहत थी, क्या कोई मुसलमान वहां गलत काम कर रहे थे, क्या वहां जबरदस्ती दारू बेची जा रही थी या वहां पर कहीं ना कहीं मीट बेचा जा रहा था, उस पवित्र स्थल के आसपास कुछ गलत कार्य हो रही थी, बयान की कारण है देखते हैं आप, अगर ऐसा होगा नहीं, तो उनके बयान की कोई मुझे बात करने दो पहले, अगर वो ऐसा हुआ होगा, मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, उनके बयान की कोई जगह देखते हैं अगर आप संविधान पर यकीन करते हैं तो? देखिए ऐसा होता है कि मान लो मेरे घर के चारों तरफ रोज कोई गंदगी आकर के फेंकता है, दारू की बोतलें फेंकता है, और मैं बोलता हूं भाई इसको रोक के, फिर भी कोई मानता नहीं है, तो फिर करेगा क्या आदमी? तो अगर कोई कार्रवाई कर नहीं रहा वहां पर शराब बेची जा रही है, इल्लीगल तरीके से बेची जा रही है, मीट बेचा जा रहा है, धार्मिक स्थल है, लोग वहां मुंह बंद करके जाते हैं, वहां पर उनको लगता है कि क्या हो रहा है इतने बड़े हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर, तो उस समय पर अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है दोनों तरफ से, तो फिर इस तरह के बयान आने लाल भी हो जाते हैं जोशी साहब, और फिर अपने धर्म की रक्षा करना फिर हर एक का फर्ज। सुनिए जोशी साहब को सुनिए, क्या ऐसी स्थिति थी जो रावत साहब बता रहे हैं? देखिए अगर ऐसी स्थिति वहां पर है तो ये सरकार का फेलियर है, सरकार की विफलता है। मैंने पिछले दिन भी आपकी डिबेट में कहा था कि हरिद्वार है, ऋषिकेश है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ऐसी जगह पर मांस बेचना पहले से प्रतिबंधित है, अंग्रेजों के समय से प्रतिबंधित है, कोई आज से प्रतिबंधित नहीं है, जब राजा था तब भी प्रतिबंधित था, जब देश गुलाम था तब भी प्रतिबंधित है, और आज भी है। अगर हो रहा है तो सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लतीफ साहब आज भी बीस जी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, हमारा गृह मंत्रालय देख रहा है, कह रहे हैं ये देख ही रहे हैं, अगर ये देख लेते, अगर कार्रवाई हो जाती, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इस तरह के बयान मौलाना भी नहीं देते, इन्हें भी पता चल जाता कि ऐसे बयान देने का परिणाम क्या होता है। ये यहाँ पर जिस तरीके का माहौल बनाने बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखो जोशी साहब, मैं यहाँ अब प्रशंसा तो मैं लतीफ जी की करूंगा, उन्होंने माफी मांग ली तीन बार, एक अच्छी बात है कि वो उनकी तरफ से ये बयान खत्म हो रहे हैं, लेकिन अब यहां से आगे की बात यह आती है कि उन्होंने जो बयान दिया वहां पर यह देखना पड़ेगा कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं और बद्रीनाथ के आसपास के माहौल को खराब कर रहे हैं। अगर उन्होंने आहत होकर के बयान दिया है तो उन पर कोई कार्रवाई का हक नहीं बनता, और बाकी वहां कुछ ऐसी स्थितियां हो रही हैं तो वहां आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने कहीं दंगा भड़काने की नियत से या अपनी सस्ती लोकप्रियता की वजह से ऐसा बयान दिया है, तो उस पर बिष्ट साहब आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो उत्तराखंड देवभूमि है और उसको देवभूमि ही रहने दिया जाए। पांच दिन बाद बिष्ट साहब क्या रिपोर्ट है आपके पास? रिपोर्ट यही है कि किसी व्यक्ति ने इस तरीके का बयान बद्रीनाथ जी धाम को लेकर दिया है, उसका संज्ञान लिया गया है, सरकार उस पूरे बयान की जांच कर रही है। ऐसे लोग भविष्य में कोई भी राज्य का माहौल खराब न करें, राज्य का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, इस राज्य में हमारा नारा भी है सबका साथ सबका विकास, और हम वर्षों वर्षों से पीढ़ियां दर पीढ़ियां इस राज्य में हम सब लोग मिलकर रहते हैं। जी आपने भी एक बयान दिया था, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा आपको, आपने कहा था उन पर कार्रवाई करेगी सरकार, देख रही है, क्या आप कार्रवाई करने से पहले उनके पक्ष को जानने की कोशिश तो करेंगे ना कि आखिर क्यों ऐसा बयान देना पड़ा उन लोगों को? क्या ऐसा है रावत जी, मैं दोनों तरफ रावत जी मैं बहुत इज्जत के साथ इस बात को कह रहा हूं, परिस्थितियां जो भी हैं उसके बावजूद अगर कोई बयान ऐसा देता है तो वो बयान बर्दाश्त काबिल नहीं है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ लतीफ साहब अभी आप बिल्कुल फ्री हो चुके, बैकग्राउंड कुछ हो सकती है, बैकग्राउंड लतीफ साहब ने लतीफ साहब माफी मांग ली है और ये फ्री है। लतीफ साहब ये हमारे ने कहा है कि अगर उत्तराखंड रक्षा क्रांति दल ने ऐसा बयान दिया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या आप बताना चाहेंगे इस देश के 125 करोड़ लोगों को यहां से बैठकर कि हाँ मेरे खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, मैं जेल जाने को तैयार हूं? लतीफ साहब आपके मुंह से लोग ये सुनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो हमारी सरकार जो भी हमें सजा देगी वो हमें तस्लीम है। देखिए जो इस तरह का माहौल हमारे भारत का खराब कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि माहौल खराब हो, मैं इंतहाई
अदब से ये मैं दरखास्त करता हूँ, इसमें चूंकि सरकारी नुमाइंदे बैठे हुए हैं, कभी गौ रक्षक के नाम पर कहीं भी मुसलमानों को मारा जा रहा है, आज तक टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ गौमूत्र पिए या यहाँ से निकल जाए, पूरे स्टेट को ये बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। हमारी हुकूमत अगर उनके खिलाफ उसी वक्त कार्रवाई कर देती तो हमें ये सब कहने की जरूरत न पड़ती। एक लाचारी है, ये लाचारी फिर भी मैं ये कहता हूँ, मैं भारत का एक एक बच्चा अगर किसी को हमारे बयान से तकलीफ पहुंची है, मैं उसे माफी मांग सकता हूँ, माफी मांगने तैयार हूँ मैं, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन वो जो है लेकिन साहब इसी बात एक लाचारगी भी झलक रही है मुसलमानों की, उन्हें उकसाया जा रहा है। ये देखिए कि लाचारगी तो इससे झलक रही है कि पूरे उत्तराखंड के मुसलमानों को एक डंडे से बाहर निकाल देंगे अगर गौमूत्र न पिया। ये नहीं आप देख रहे हैं, सिर्फ मैं ही मुजरिम हूँ मुसलमानों में से? अनुपम जी लतीफ जी गुमराह कर रहे हैं, आप जो है रक्षा दल और वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं नहीं है। वो जो बयानत दिया गया है उस बयानत को सरकार देख रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। आपने जो बयान दिया है देश को गुमराह किया है, इतिहास और भूगोल बिगाड़ने की बात की है, आरोप आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लिखित में माफी मांग लेनी, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। नहीं नहीं बिश जी, इनको लिखित में माफी मांग लेनी चाहिए तो ये बच सकते हैं, उसमें क्या नहीं, वो तो माफी मांग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, राहुल जी कोई बख्शी नहीं है, कोई बख्शी नहीं मिलेगी इनको, सलामत रहे। इन्होंने हमारी भावनाओं को देश के विश्व की भावनाओं को दिया है। आप देश का लोग, बद्रीदून कौन है, कहीं इतिहास में इसका नाम नहीं है, विकिपीडिया में मैं देख रहा था, कब दर्ज करें इसका नाम जानना चाह रहे हैं सर। और एक मौलाना सजा भुगतने को तैयार है, इन्होंने कह दिया मौलाना सजा भुगतने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं, आप मुकदमा कब दर्ज करें ये बताइए। जल्दी ही होगा, निश्चिंत रहिए, मौलाना को कहें सब्र करें। नहीं सब्र कब सर, 5 दिन गुजर गए, बताइए, लोग ये जानना चाहते हैं, रिपोर्ट बताइए, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है आपने? अनुपम जी सोनी आ गए, सरकार जो है इस मामले को गंभीरता से देख रही है। मैं यकीनी तौर पर समाचार प्लस में इस बात को कह सकता हूं, हमारी सरकार राज्य के माहौल को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देगी। नहीं नहीं सर, इसके लिए इतना कोई भी व्यक्ति होगा वीरेंद्र बिष्ट साहब, वो कानून से बड़ा नहीं है, होते अभी तक आप कार्यवाही कर चुके होते, 5 दिन से लोग आपकी गंभीरता देख रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, देखिए सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, आज एक हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है, अगर सरकार ने कार्रवाई की होती तो ये माहौल खराब करने की किसी की भी हिमाकत नहीं होती। और क्या सरकार मौके दे रही है का जी, क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं कि सरकार मौके दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की हिलावली है, सरकार की लापरवाही है, और सरकार में मुझे तो लगता है कि सरकार का ही हाथ है ये सब कराने में। ये सरकार को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी, जब ये बयान आ गया था तो तत्काल को इनको बहुत गंभीर आरोप है बिष्ट साहब आप पर, ये इस तरीके के, मैंने कहा कि सरकार दोषी जी तो इस तरीके के बयान अब दोषी जी राजनीति करने लग गए हैं। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सरकार का हाथ है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लगता है ऐसा। अगर सरकार जोशी जी आपको इस बयान को वापस देना पड़ेगा, नहीं नहीं सरकार अपने राज्य के माहौल को बनाए रखना चाहती है, आज सुबह से ये राज्य चल रहा है, ये राज्य हम सबका है, हम किसी कीमत पे इस राज्य के माहौल को आप तो बताइए ना कि मामला कब दर्ज करें, एक हफ्ते और लगेंगे, एक महीने और लगेंगे, एक साल और लगेंगे, किसी कीमत पे राज्य की जो छवि है, राज्य का जो वर्षों पुराना सौहार्दपूर्ण वातावरण है, इसको हम किसी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। जो लोग दोषी हैं, जो एक सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं, उनके लिए सरकार के जो कानून बना है सर, एक घंटे में माहौल खराब हो जाता है, एक घंटे में सर, आपने तो 5 दिन इंतजार करवा दिया, एक घंटे में माहौल खराब हो जाता है, सरकार चाहती क्या है? अनुपम जी इंतजार करिए, सरकार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देगी। मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। तारीख बताइए सर, कानून पूरी तरीके से ईमानदारी से अपना काम कब तक, एक हफ्ते और, एक महीने और, एक साल और, तारीख बताइए, तारीख बताइए, ताकि लोग, उत्तराखंड के लोग और देश के लोग वीरेंद्र बिष्ट को भी याद रखें, बीजेपी के इस प्रवक्ता को याद रखें। वीरेंद्र बिष्ट निश्चित रूप से बड़े
ही ईमानदारी से इस बात को कह रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश की है मथुरा का सरकार किसी भरोसा है आपको बर्दाश्त नहीं करेगी, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी कानून से और संविधान से बड़ा नहीं है। नहीं सर, आप इतने लाचार मत बनिए, एक मिनट नहीं लगता माहौल खराब होने में, एक मिनट नहीं लगता। और मौलाना जैसे अभी मौलाना लतीफ कूदे, अगर ऐसे दो और मौलाना कूद जाए तो एक मिनट में माहौल खराब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा मत करिए सर, जैसी घटना हो जाएंगी जोशी जी, देश का हालात खराब हो जाएगा, उत्तराखंड जल उठेगा अगर लतीफ साहब जैसे एक दो व्यक्ति ने और बयान दे दिया तो खराब होने में देर नहीं लगती है। और ऐसे कितने मौलाना है जो यहाँ का माहौल हमेशा खराब करते रहे और करते रहेंगे, लेकिन उत्तराखंड की सरकार को सिंसियरिटी से, बहुत संजीदगी से ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो कह रहे हैं कि वो संजीदा हैं। अगर सरकार कार्रवाई करती तो ये स्थिति न बनती, ये तो एक शुरुआत है। तो कह रहे हैं कि उत्तराखंड का माहौल खराब करना चाहते हैं जो लोग, जोशी जी मिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि वो संजीदा है। नहीं, निश्चित रूप बीस जी की तो मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने भाई अपनी सरकार का पक्ष रखना है, लेकिन वो अपने सरकार के अपने मुख्यमंत्री जी से कहे ना, अपने गृह मंत्री से कहें कि वो मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय भी है, सारा इंटेलिजेंस उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। बीजी के अध्यक्ष जी भी कहें, बीजी पूरा संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये कहते तो शायद ये स्थिति न होती। जोशी जी अगर कहना ही करना है, अपनी सरकार का पक्ष रखना है इन्होंने। जोशी जी अगर बिश जी की सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आप तो अपोजिशन में, आप क्या करेंगे? नहीं, हम देखिए जो सरकार होती है कार्रवाई उसको करनी होती है। आप क्या करेंगे? मांग रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपना निवेदन कह सकते हैं। मिस्टर साहब फाइनल कमेंट आपका, फाइनल कमेंट, तारीख बता दीजिए कार्रवाई की। देखिए अनुपम जी, मैं समाचार प्लस का बड़ा सम्मान करता हूं, लगातार इसका पाठक भी हूं और दर्शक भी हूं। ईमानदारी से इस बात को कहता हूं कि हम किसी भी कीमत पर अपने राज्य की फिजा को, हवा को खराब नहीं होने देंगे। उनके लिए जो सजा मुकर्रर होगी सरकार उस पर जल्दी कार्रवाई करेगी, वो कार्रवाई आपको हमसे पहले मालूम चल जाएगी। इंतजार होगा उस दिन का, इंतजार होगा उस दिन का। मौलाना ने माफी मांग ली है, लेकिन सरकार लाचार दिख रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सरकार लाचार दिख रही है। और सबसे बड़ी सच्चाई, मौलाना ने माफी मांगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि किसी भी देश में किसी भी इलाके का माहौल खराब हो, और खासकर पवित्र धाम को लेकर या पवित्र स्थलों को लेकर कतई नहीं, चाहे वो किसी कौम से क्यों ना आता हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।